भूस्खलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 21 हा बंद करण्यात आला. चंडीगढ आणि हिमाचल प्रदेश मधल्या मनालीला जोडणारा हा महामार्ग आहे. पहाटे हनुगी मंदिरालगतच्या भागामध्ये हे भूस्खलन झालंय, त्यामुळे वाहतुकी तर युद्धपातळीवरती महामार्ग मोकळा करण्याचं काम सुरू आहे. आमचे प्रतिनिधी यशराज आता माझ्या संपर्कात आहेत थेट मनालीवरून. यशराज बताय हमें, जैसे की हाल फिलहाल में जो दिन चल रहे हैं, यहाँ से महाराष्ट्र से काफी लोग जाते हैं घूमने, मनाली हो, चंडीगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, लैंडस्लाइड होते रहता है, पर ये काफी ऐसा रास्ता है जहाँ से काफी ट्रैफिक होती है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं. क्या अभी खबर है, कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए और कब तक ये पूरा रास्ता खुल जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मनाली की तरफ लोग पर्यटक पहुंचते हैं वो लगभग पूरे भारत से और विदेशों से यहाँ पहुंचते हैं, तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं. हालांकि अभी मनाली में जो है ऑफ सीजन चला हुआ है, लेकिन जैसे ही बर्फ गिरती है तो उसमें पर्यटकों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, यही कुछ हाल आजकल भी है. तो आज जो लैंडस्लाइड हुआ मनाली से लगभग 90 किलोमीटर पीछे मंडी शहर से आगे हुआ है, तो लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता जो NH21 जो है मनाली को जोड़ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया. तो फिलहाल प्रशासन ने अल्टरनेट एक रूट है जो काफी छोटा रूट है उसके जरिए छोटे वाहनों को भेजा जा रहा है, बड़े वाहन अभी रुके हैं. तो सबसे बड़ी परेशानी का सबब जो बना है वो वॉल्वो बसेस के लिए बना है, क्योंकि वॉल्वो बसेस दिल्ली से मनाली के बीच में चलती हैं, तो वो उस रास्ते से नहीं गुजर पाएंगी, जिस वजह से लगभग 50 के आसपास वॉल्वो बसेस जो है उनके पहिए थम गए. जी ईशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए. कुणीही जख्मी झाल्याची बातमी नाही आहे. हा जो रस्ता आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता आहे, चंडीगढ मनालीला जोडणारा, आणि पर्यटकांची निश्चितच या सगळ्यामुळे गैरसोय होणार आहे. पण हिमालय घडीचा पर्वत आहे, त्यामुळे सततच्या कोसळणाऱ्या दरडी ही मोठी समस्या हिमालयाच्या या सगळ्या डोंगरी भागामध्ये आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.